तो नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका करण पांडे और एक नए जोश के साथ मैं आ गया हूं साथ। तो आज का प्लान ये है कि आज अब अपनी नई राम प्यारी को निकालेंगे, नई मतलब अपनी निंजा को निकालेंगे। काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होगा मेरे पास निंजा 650 है, जोधपुर की पहली बाइक मेरे पास है और मेरे अलावा 650 और किसी के पास नहीं है। तो आई एम फीलिंग प्राउड। और अपन कल जाने वाले हैं 26 जनवरी की राइड में, मतलब 26 जनवरी की राइड में। और हाँ, ये मेरा घर है, आप देखिए एक बार, शायद लोगों ने मेरा घर नहीं देखा है। तो हम 26 जनवरी की राइड में जाने वाले हैं, तो वहाँ पे जाते हैं। उससे पहले अपन को करनी पड़ेगी निंजा को तैयार, क्योंकि जब तक तैयार नहीं करेंगे, जब तक कर रहे नहीं, क्योंकि काफ़ी समय से पड़ी है निंजा। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ निंजा की क्या हालत है। तो ये देखिए, ये है अपनी निंजा और एकदम कवर पड़ी है और ये करीबन 1 महीने से यहीं पड़ी है। अपन अपनी बाहर जो एवेंजर है उसको लेके जाते हैं, तो आज इसको एक बार निकालते हैं, इसकी हालत देखते हैं कि असल में ये कैसी हो रखी है। और थोड़ा साफ़ वगैरह भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यार, कल राइड पे जाना है और गाड़ी चमकनी चाहिए। अरे, तुम्हारे भाई ने लगा रखा है यूट्यूब का लोगो। 999 ये थोड़ी सी प्लेट हो गई क्रैक, मेरे पास एक नई प्लेट पड़ी है, उसको लगा दूंगा। और गाड़ी एकदम स्टॉक है, ये मैंने विसल लगा रखी थी, अगर काफ़ी लोगों को पता होगा इस विसल के बारे में। तो थोड़ा मैं क्या H2R का फ़ैन हूँ इसलिए। तो अभी मैंने करवाए थे गाड़ी में ग्राफिक्स चेंज, एक बार बाहर निकाल के आपको ग्राफिक्स दिखाता हूँ गाड़ी के। तो निकालते हैं इसको अपने कवर से बाहर, और कवर की वजह से काफ़ी ये साफ लग रही है मुझे, बाकी इसके थोड़ी धूल मिट्टी तो लग जाती है क्योंकि ये राजस्थान है। और तो अच्छे से रख देते, नहीं तो मम्मी डांटेंगी। तो हमारी मम्मी है काफी साफ सफाई प्रेमी। और दिखाता हूँ, इसमें मैंने एक रैपिंग करवाई थी जो कि मुझे सक्सेसफुल नहीं लगी, और मैं दिखाता हूँ भी आपको बाहर ले चल के गाड़ी। तो देखिए गाड़ी है अपनी ये, और काफी धूल में भर भर चुकी है गाड़ी, और इसको थोड़ा सा करते हैं साफ सफाई। और इसकी यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस साइड थोड़ी रैपिंग वगैरह जो मैंने करवाई थी सक्सेसफुल नहीं रही, मेरे को इसको फिर से करवाना पड़ेगा और अच्छी जगह जाके करवाना पड़ेगा रैपिंग। ठीक है, ये चीज तो हो गई है। और गाड़ी है अभी थोड़ी गंदी, और चलिए इसको करते हैं साफ, फिर इसकी चैन लूपिंग वगैरह काफी करनी है, कल के लिए तैयार करनी है एकदम शानदार। तो अपनी गाड़ी को चालू करके थोड़ा सा कर लेते हैं तैयार, और एक बार में स्टार्ट हो गई मानना पड़ेगा। गाड़ी में काफ़ी बैटरी, अभी वैसे भी मैंने इसकी नई लगवाई थी बैटरी, तो और देखिए कितनी प्यारी लग रही है अपनी बेबी। कल ये जाएगी राइड पे, मचाएगी तूफान। और मेरे को थोड़े दिन बाद इसका एग्जॉस्ट भी चेंज करवाना है। दिक्कत की बात ये है कि साले हम रहते हैं जोधपुर में और दिल्ली में रहते हैं, तो ये अभी तक तो इसका ये काम हो चुका होता। और कोई नहीं, चलिए इसको एक बार चलते हैं वॉश करवाना है, क्योंकि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा गंदी है। और देखिए मिट्टी कैसे लग रही है इस गाड़ी में, तो चलते हैं। पे गाड़ी धुलवाने के लिए बाजार में, और गाड़ी भाई हमारे बहुत बढ़िया तरीके से धो रहे हैं, और मैं हमेशा गाड़ी धुलवाने इधर ही आता हूँ।
और अभी क्या अपनी थोड़ी अपनी इसकी रैपिंग वगैरह निकल रही है, तो थोड़ा इसको अच्छे से धुलवाना पड़ेगा। और इसकी रैपिंग में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसकी रैपिंग अपन कैसी करवा सकते हैं। और बाकी गाड़ी तो बढ़िया साफ़ हो रही है, एक बार साफ़ करने के बाद देखते हैं गाड़ी कैसी लगती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है पर्सनली। तो गाड़ी अपन ने वॉश करवा ली है और एकदम चमक गई है गाड़ी, एकदम नई दुल्हन की तरह। तो आइए हमारे भाइयों से जानते हैं कि गाड़ी कैसी लग रही है आपको। भाई गाड़ी तो सुपर लग रही है भाई। तो ये हमारे पपन भाई का कहना है। और आइए मेरे दूसरे भाई से जानते हैं कि गाड़ी कैसी लग रही है। कैसी लग रही है मिठू जी, बताओ। गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है। देखिए गाड़ी सही में लग भी बहुत एकदम चमाचम कर रही है और एकदम लुक आ रहा है। ओहो क्या बात है, क्या बात है। पपन भाई को देखो ये।